टीवी तोड़ आईपीएल। आईपीएल के मैचेस शुरू हो गए थे। पापा ने ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी ले ली थी। मम्मी भी जल्दी जल्दी काम निपटा के पापा के साथ टीवी के सामने आईपीएल देखने बैठ जाती है। दोनों ने अपनी अपनी टीम चुन ली थी और पापा मम्मी दोनों एक दूसरे के छक्के छुड़ाने में लगे थे। देखा कैसे धो रही है मेरी टीम तुम्हारी टीम को। अजी छोड़िए, टॉस जीत गए तो कुछ भी बोलोगे क्या? अभी हमारी बल्लेबाजी बाकी है। देखते हैं देखते हैं, वैसे तो पिछली बार भी तुम यही कह रही थी। गट्टू और चिंकी परेशान थे क्योंकि आईपीएल की वजह से ना तो मम्मी पापा दोनों की तरफ ध्यान दे पा रहे थे और ना ही दोनों को अपना मनपसंद कार्टून देखने दे रहे थे। पापा कार्टून लगाओ ना। अरे क्या हर वक्त कार्टून कार्टून कार्टून, मैच देखो मैच देखो, कैसे धो रहे हैं एक दूसरे को। पापा हमें आईपीएल समझ नहीं आता तो जाकर खेलो जाओ, हमें मैच देखने दो। पापा मम्मी का यह बर्ताव देखकर गट्टू और चिंकी गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। मैं तो ये आईपीएल बंद करवा के ही रहूँगा, आईपीएल ने हमारा सब कुछ छीन लिया है। गुस्सा ना होइए भैया, चलो हम कुछ खेलते हैं। पर खेलने के लिए क्या है हमारे पास, नए खिलौने भी तो कोई लाकर नहीं देता। बैट और बॉल तो है ना, हम क्रिकेट खेलेंगे। क्रिकेट का नाम सुनकर गट्टू का खून खौल जाता है। अरे पूरी दुनिया में बस यही खेल बचा है क्या? लाओ बैट और बॉल लेकर आओ, अब मैं ऐसा खेलूंगा कि एक दिन पापा मम्मी मुझे टीवी पर देखेंगे। चिंकी बैट और बॉल लेकर आती है। गट्टू गुस्से से बैट पकड़ता है और पोजीशन लेता है। चिंकी बॉलिंग करती है। ये आया पहला बॉल, ये उठाया बल्ला और छक्का। ऐसा कहकर गट्टू बैट घुमाता है पर सच में छक्का छूट जाता है। बॉल हवा की रफ्तार से बैट को छूकर गायब हो जाती है और शीशा टूटने की जोरदार आवाज आती है। चिंकी के साथ साथ गट्टू के भी होश उड़ जाते हैं। भागते भागते दोनों हॉल में आकर देखते हैं तो टीवी जमीन पर बिखरा पड़ा है और पापा मम्मी भी हैरान खड़े हैं। यह देखकर गट्टू की तो हवा निकल जाती है। पापा मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो तो सिक्सर मारने के चक्कर में। भैया आप टीवी पर दिखने वाले थे पर आपने तो टीवी ही देखने लायक नहीं छोड़ा। गट्टू बुरी तरह कांपने लगता है, उसे लगता है कि अब उसे मार पड़ने वाली है। वह मार खाने के लिए मन तैयार करता है तभी पापा एकदम से गरज पड़ते हैं। सचिन, अरे सचिन! नहीं, मेरा बेटा तो कोहली बनेगा, विराट कोहली। यह सुनकर गट्टू और चिंकी हैरान रह जाते हैं। वाह गट्टू वाह, तूने तो दिखा दिया कि तू मेरा बेटा है। अरे बचपन में मैं लोगों की खिड़कियां तोड़ता था, तूने तो टीवी ही तोड़ दिया। वाह क्या शॉट मारा होगा। पापा आप गुस्सा नहीं हो? अरे बेटा मुझे तो गर्व है कि मेरे घर सचिन पैदा हुआ है। और चिंकी क्या बॉलिंग करती है तू, तुम दोनों आगे क्रिकेटर ही बनना। तो फिर चलो एक मैच हो जाए, वैसे भी आईपीएल देखते देखते बोर हो गई थी, बकवास खेलते हैं, उनसे अच्छा तो हमारे बच्चे खेलते हैं। गट्टू और चिंकी कुछ समझ पाए इससे पहले पापा और मम्मी दोनों को ग्राउंड पर खींच लाते हैं। दो टीम बनेगी, मैं और गट्टू, चिंकी और मैं। डन डन, टॉस करें। सिक्का हवा में उछाला जाता है। मम्मी और चिंकी टॉस जीतते हैं। मम्मी बल्ला संभालती है, पापा बॉलिंग करते हैं और गट्टू फील्डिंग करने लगता है। पापा बॉल मम्मी की तरफ फेंकते हैं, मम्मी बल्ला उठाती है और हवा में घुमाती है। बल्ला हवा में ही रह जाता है और पापा के बॉल से मम्मी क्लीन बॉल्ड हो जाती है। आउट, यस! चिंकी बैटिंग करने लगती है, पापा बॉल फेंकते हैं, चिंकी बैट घुमाकर चौका मारती है और गट्टू कैच पकड़ लेता है। आउट! इस प्रकार मम्मी और चिंकी की टीम 0 रन बनाकर आउट हो जाती है। इधर सारा मोहल्ला टीवी छोड़कर यह मैच देखने ग्राउंड पर भागता है। ग्राउंड दर्शकों से भर जाता है। बल्लेबाजी करने के लिए हाथ में बैट लेकर गट्टू मैदान में उतरता है। बेस्ट ऑफ लक बेटे। गट्टू हवा में बैट उठाता है तो लोग शोर मचाने लगते हैं।
गट्टू। चारों ओर सिर्फ गट्टू ही गट्टू छाया था। गट्टू पोजीशन लेता है, मम्मी बॉल फेंकती है, गट्टू बैट हवा में घुमाता है और सामने आए हुए बॉल को हवा में उछालता है। बॉल सीधा जाता है और शर्मा जी की खिड़की चकना चूर हो जाती है। कोई बात नहीं, खेलो बेटा, अपने मोहल्ले का सचिन है तू। इस प्रकार सामने से आई हर बॉल को गट्टू हवा चखा देता है, चौके और छक्के मार मार कर सबके छक्के छुड़ा देता है और इस प्रकार गट्टू अकेला ही पापा को मैच जितवा देता है। पापा गट्टू को कंधे पर उठा लेते हैं। सारा मोहल्ला नाचने लगता है और चीखने लगता है, गट्टू उठ जा, स्कूल जाना है, होमवर्क करना है, कब तक सोता रहेगा। और तभी गट्टू एकदम नींद से जाग जाता है। मम्मी अपना टीवी तो ठीक है ना? ठीक है, टीवी को क्या हो सकता है। पापा कहाँ है? वो तो ऑफिस चले गए। अरे यार, लगता है मैं तो सपना देख रहा था। कैसा सपना, मुझे भी तो बताओ। गट्टू चुपचाप बाथरूम चला जाता है। मम्मी को कोई जवाब नहीं देता। देता भी कैसे, उसने सपना ही कुछ ऐसा देखा था जो सपने में भी नहीं हो सकता था। गट्टू चिंकी इन आईपीएल। गट्टू और चिंकी को खेलना कूदना तो सबसे ज्यादा पसंद था। दोनों में से गट्टू को जितना क्रिकेट पसंद था उतना चिंकी को नहीं था। और इन दिनों जब पूरे भारत में आईपीएल का माहौल था तो गट्टू चिंकी की सोसाइटी भी आईपीएल को एंजॉय कर रही थी। मम्मी मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। अरे गट्टू, चिंकी को भी अपने साथ ले जाओ। मम्मी उसे क्रिकेट खेलना भी नहीं आता, वो क्या करेगी आकर। अरे तो उसे सिखा दो, नहीं तो अंपायर बना दो। नहीं नहीं मम्मी, रहने दो, मुझे नहीं खेलना। गट्टू को तो हर जगह बस क्रिकेट ही क्रिकेट नजर आ रहा था। क्लास में सभी बच्चे क्रिकेट के ही धुन में थे। चिंकी तो वही विकेट, रन, कैच, रन आउट बातें सुन रही थी। अरे धोनी ने क्या सिक्स मारा था पता है ना? हाँ भाई, सबसे अच्छा प्लेयर तो वही है, लेकिन सबसे ज्यादा रन तो विराट कोहली निकालता है। मेरे पापा के साथ मैं भी कभी कभी क्रिकेट देखती हूँ, मुझे भी सबसे ज्यादा विराट कोहली ही पसंद है। इतने में चिंकी चिढ़कर मास्टर जी से कंप्लेंट कर देती है, जिसका असर अलग ही हो जाता है। मास्टर जी देखो, गट्टू, नीलेश, भूषण सब लोग हल्ला मचा रहे हैं। क्या हो रहा है वहाँ? गट्टू खड़े हो जाओ, ये गणित की पहेली सॉल्व करो। मास्टर जी ने ब्लैक बोर्ड पर 4×9=2 ये गणित लिखा और गट्टू को जवाब देने को कहा। बताओ जल्दी गट्टू बेटा। मास्टर जी मैं बताऊं? गट्टू को नहीं आएगा, उसे बस क्रिकेट के बारे में पूछो, वही आएगा उसे। गट्टू ने तुरंत नंबर आउट किए और आंसर बताया। मास्टर जी 36 रन्स। और पूरे क्लास के साथ साथ मास्टर जी भी हंसने लगे। शाम को जब सभी बच्चे सोसाइटी के ग्राउंड में थे तब बातें भी क्रिकेट और आईपीएल की ही चल रही थी। क्रिकेट की बात चल रही हो और वहाँ गट्टू ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन गट्टू के साथ साथ मम्मी ने भी चिंकी को खेलने भेज दिया था। गट्टू यार, कितनी देर लगाते हो आने के लिए, शाम हो जाती है तो हमारा खेल हमेशा अधूरा रह जाता है। नीलेश सही कह रहा है गट्टू, और वैसे भी थोड़ी देर बाद आईपीएल मैच शुरू होने वाला है, हमें जल्दी निकलना चाहिए। फिर से एक बार आईपीएल का नाम सुनते ही चिंकी को गुस्सा आया और वो चिल्लाई, ये क्या हर वक्त आईपीएल आईपीएल करते रहते हो तुम सब, और भी टॉपिक है बातों के लिए। अरे चिंकी, आईपीएल का नया सीजन शुरू हो गया है, इसीलिए सब उसकी बातें करते हैं। मुझे तो ये तुम्हारा आईपीएल के लिए जोश अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है। सबको बुरा लगता है, कोई तो चिंकी की तरफ ध्यान भी नहीं देता। लेकिन चिंकी बोलती ही जाती है। देखो चिंकी, तुम्हें आईपीएल पसंद नहीं है तो फिर हम क्यों अपनी बातें करना छोड़ दे। लेकिन और भी तो खेल है, तुम्हें पता नहीं हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है, क्रिकेट नहीं। पर हम सबकी पसंद तो क्रिकेट है। चिंकी चिढ़ कर वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन सब बच्चे गार्डन में खेलने आते हैं और खेल के बीच ही गट्टू को एक जबरदस्त आइडिया आता है। सुनो 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 सब लोग, मेरे पास एक आइडिया है, हम सब बहुत एंजॉय करेंगे।
कैसा आइडिया गट्टू? हाँ हाँ गट्टू, जल्दी बताओ कैसा आइडिया। मेरे दिमाग में एक बढ़िया प्लान आया है। अरे तो बताओ ना जल्दी। गट्टू साथ में आईपीएल की मैच देखने का प्लान बनाता है। संडे के दिन शाम को हम सब की फेवरेट टीम की मैच है। हम सब लोग इकट्ठा होकर मैच देखे तो बहुत मजा आएगा। फिर वही आईपीएल आईपीएल, मुझे नहीं आना देखने। और चिंकी वहाँ से चली जाती है। अरे चिंकी रुको तो। हाँ हाँ सुनो तो पहले। मैं नहीं रुकने वाली। चिंकी के जाने के बाद भी सब बच्चे डिस्कस करते हैं। तुम बताओ गट्टू प्लानिंग कैसे रहेगी। हाँ हाँ हम सब लोग संडे को शाम को मेरे घर इकट्ठा होंगे और आईपीएल का मैच देखेंगे। लेकिन गट्टू तुम्हारी मम्मी मानेगी? अरे वो खुद ही क्रिकेट बहुत बार देखती है। लेकिन तुम एक बार उनकी परमिशन ले लो, ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है। गट्टू घर पहुँचता है तो देखता है कि चिंकी गुस्सा है। वो पहले उसे मनाता है। चिंकी मेरी प्यारी बहन, क्या काम है? अरे हम सब लोग साथ में आईपीएल का मैच देखते हैं ना। वो मुझे वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। चिंकी हमें हमारे भारतीय प्लेयर्स को सपोर्ट और चीयर्स करना चाहिए ना। हाँ ये बात तो है। तो हम साथ में अगर मैच देखते हैं तो उन्हें सपोर्ट भी होगा और हमें मजा भी आएगा। जैसे तैसे चिंकी मान जाती है और फिर वो मम्मी से पूछने को कहती है। ठीक है हम साथ में एंजॉय करेंगे, लेकिन तुम एक बार मम्मी से पूछ लो। मम्मी रसोई घर में काम कर रही होती है और तभी गट्टू दौड़ते दौड़ते वहाँ पहुँच जाता है। मम्मी मम्मी। क्या है गट्टू बोलो। मम्मी कल परसों संडे को हम सब मिलकर घर पर आईपीएल मैच देखना चाहते हैं। अरे तो इसमें पूछना क्या, जरूर देखो। गट्टू खुश हो जाता है। ये थैंक यू मम्मी। गट्टू और मम्मी की बातें पापा सुन लेते हैं। वो सोचते हैं, अच्छा तो ये बात है। गट्टू दूसरे दिन सबको ग्राउंड पर प्लान समझाता है। सुनो दोस्तों मम्मी मान गई है, हम सब लोग कल शाम को अपनी फेवरेट टीम का मैच साथ में देखेंगे। तो हम सब तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। हाँ हाँ मैं सबके लिए घर से पॉपकॉर्न लाऊंगा और मैं पापा की दुकान से कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आऊंगा। तो दोस्तों हम कल मिलते हैं हमारे घर। दूसरे दिन सब लोग गट्टू और चिंकी के घर पर इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही गट्टू टीवी ऑन करता है तो पता चलता है कनेक्शन ही गायब है। ये क्या गट्टू, कनेक्शन तो कटा हुआ है। मेरे घर भी वही दिक्कत थी, कनेक्शन तो नहीं था। सोसाइटी में सबके घर का कनेक्शन गायब हो गया होता है। अब हम मैच कैसे देखेंगे, एक घंटे में शुरू हो जाएगा मैच। तभी अचानक गट्टू के पापा वहाँ पर आ जाते हैं। पापा देखो ना कनेक्शन नहीं आ रहा, हमें मैच देखना है। अरे तो टीवी पर क्यों देखनी है मैच, हम सीधा स्टेडियम पर चलते हैं। पापा जेब में से सबके लिए लाए मैच के टिकट दिखाते हैं। सब लोग खुश हो जाते हैं। वाह पापा थैंक यू सो मच, ये। चलो चलो जल्दी जल्दी चलो, कहीं मैच शुरू ना हो जाए। सब लोग जैसे ही स्टेडियम पहुंचते हैं, यहां सोसाइटी का टीवी कनेक्शन फिर से जुड़ जाता है और मम्मी गट्टू चिंकी और बाकी सारे बच्चों को टीवी पर देखती है। सब बच्चे उस रोमांच से भरपूर आईपीएल मैच का आनंद उठाते हैं, जिसकी चर्चा फिर बाद में हफ्तों तक चलती है।